हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज मैं आप सबके साथ बिग माउथ का बिग ड्रामा का एपिसोड 11 लेके आई हूँ। एंड मैं कोशिश करूँगी कि मैं एपिसोड 12 भी बहुत जल्दी लेके आऊँ। तो अब आप प्लीज़ इस वीडियो को एंजॉय करिएगा एंड ऑल्सो अपने कमेंट भी दीजिएगा। तो अपने आज की वीडियो की ओर बढ़ते हैं। यहाँ कांग जब कह देता है कि मैं योंजे के आने के बाद चला जाऊँगा और कभी वापस नहीं आऊँगा, तो दौरान उसे रोकने की कोशिश करती है, पर उसने तो अपना मन बना ही लिया था कि भाई मैं तो रुकूँगा नहीं। यहाँ मैरी चुनसिक के साथ मिलके उन अंकल जी यानी कि प्रोफेसर जी की ले रही होती है फ़ोटो छुपके छुपके, जो कि मिल रहे होता है योंजे के फादर से। एंड ये लोग यहाँ पर मैरी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि कांग की एक फ्रेंड है मैरी, इसका नाम ये है, इसके पापा ये करते हैं। पर मैरी उनकी फ़ोटो लेने में होती है इतनी बिजी कि उसे समझ ही नहीं आता उन दोनों के बीच में बात क्या हो रही है। एंड बेचारा चुनसिक उसको फ़ोटो लेने में दे भी नहीं रहा होता है। यहाँ पे आके योंजे की मॉम कहती है कि योंजे मिलने आ रहा है उसके फादर से, तो प्लीज़ उन्हें अच्छे से रहना चाहिए। या योंजे भी अपने फादर से मिलने आता है। एंड यहाँ पे हर सास की तरह ये वाली सास यानी कि योंजे की मदर भी दारान की बेइज्जती कर रही होती है। एंड कहती है कि मेरे साथ तुम्हें एक पार्टी में चलना, जहाँ बहुत अमीर लोग आएंगे। एंड वो दारान की बेइज्जती करके कहती है कि तुम्हारे पास ढंग के कपड़े भी नहीं, तो तुम एक काम करो, मेरे से पैसे ला लो। अब यहाँ दारान को बचाते हुए कांग भी कहता है कि हाँ भाई सही कह रही मम्मी, अभी काम मम्मी एक काम करो, आप खुद मत लो, आप मुझे अपना बिजनेस कार्ड दे दो, मतलब डेबिट कार्ड दे दो, मैं उससे खुद ही खरीद लूँगा। एंड यहाँ दे वॉज लाइक हैं, मैं तो मजाक कर रही थी। बट फिर भी कांग तो कांग है, वो उनसे उनके सारे क्रेडिट कार्ड लेके आ जाता है। सच में एक न्यू कार उनके पैसों से ख़रीदता है, दारुण के लिए काफ़ी सारे कपड़े भी उनके पैसों से ख़रीदता है। दारुण उन्हें कहती है कि अच्छी बात नहीं है, पर वो कहता है उन्होंने खुद ही कहा है कि मेरे कपड़े लेके खरीदो, तुम खरीदो, तुम्हें क्या दिक्कत है। कांग के साथ टाइम स्पेंड करना दारुण को काफ़ी अच्छा लगने लगता है, जो उसकी उसे चिंता भी दे रहा होता है कि वो कांग से मोहब्बत करती है कि वो योंजे से करती हैं। एंड यहाँ वो डिसाइड करती है कि वो सती सावित्री एक ऐसी वाइफ बन के दिखाएगी जो कि अपने हस्बैंड का वेट कर रही हैं। एंड कोरियन ट्रेडिशनल के हिसाब से शायद, देखो मुझे कंफर्म नहीं है, तो पुराने ज़माने में औरतें जो थी जिनके हस्बैंड दूर जंग पे जाया करते थे, तो वो अपने घर में सिलाई कढ़ाई करती थी। एंड वैसा ही अपने आप को दौरान समझती है कि वो ओल्ड एरा में है कोरिया के, जहाँ वो सिलाई बुनाई करके अपने हस्बैंड का वेट कर रही है, जहाँ उसका रूममेट मतलब उसके बगल में जो रहता है वो बंदा बांसुरी बजा के उसे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ वो स्कूल में होती है और स्कूल में उसकी फ्रेंड जान कुछ के बताती है ज़ोर ज़ोर से कि मेरी ब्लाइंड डेट हो रही है, ताकि जिम टीचर को पता लगे और वो उसे ब्लाइंड डेट करने ना दें। या मैरी आके कांग को सारे फोटो दिखाते जो कि उसने खरीदे थे, पर फिर भी कांग कहता है ये मेरा फादर नहीं है, तो बस पेंटिंग बनाने वाला है, तो उससे ज़्यादा दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ कांग आता है अपनी चीज़ में, क्योंकि अब जबकि कांग 18 साल का होने वाला है, तो उसकी मम्मी ने जितने भी पैसे बचा रखे होते हैं वो कांग के हवाले हो जाएंगे। अब जबकि कांग कोमा में, तो ये सब पैसे जाएंगे उसके अंकल आंटी के पास, तो वो पैसों का गलत इस्तेमाल ना हो इसलिए वो लिख देता है पेपर्स में कि जब तक कांग को होश नहीं आ रहा तब तक उसके पैसों का ध्यान रखेगा योंजे यानी कि अभी वाला फ़िलहाल कांग। एंड जैसे ही कांग कोमा से बाहर आएगा तो ऑटोमेटिकली सारे शेयर्स एंड सारे राइट्स कांग को ही मिल जाएंगे। यहाँ वो बाहर आके लेके आया होता है दारुण को डिनर करने के लिए, जहाँ पे दारुण को लगती है गर्मी, तो कांग उसको हवा दे रहा है और इस तरीके से उसकी केयर करते देख दारुण दिल में फिर से बबल गम टाइप फूटने लगते हैं। या अगेन वो अपने आप को सही से दिखाते हैं कि नहीं भाई मैं कोरिया की अच्छी वाइफ हूँ, एंड अगेन उसके बगल वाले रूम वालों से छेड़ता है। जैसे ही ये बात कांग को पता लगती है कि दारुण योंजे का वेट करने के लिए सिलाई बुनाई का काम कर रही है, तो वो काफ़ी हंसते हैं कि तो काफ़ी पुरानी चीज़ है। सिलाई बुनाई करते हुए दारुण को लग जाती है चोट, जिसका काफ़ी केयर करता है कैंग, और कैंग को इतनी सारी केयर अपनी करते देख दारुण को काफ़ी अफसोस भी होता है। यहाँ पे दारुण की फ्रेंड आई होती है ब्लाइंड डेट पे, जहाँ पे आया था जिम टीचर और जो कि उसे रोकने आए थे। एंड यहाँ वो कहती है कि आप मुझे रोकने आए, वो बहुत खुश होते हैं और उसे हक कर लेते कि आप पहले क्यों नहीं आए, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बोला आप मुझे पसंद करते हो। बट उसका दिल तब टूटता है जब उसे पता लगता है कि यहाँ मतलब जिम टीचर उसे रोकने नहीं बल्कि खुद एक पार्टी करने आए होते हैं अपने टीचर के साथ। यहाँ बेचारी वो लड़ाई इतनी गंदी बेइज्जती होने के बाद वो बेचारी मुँह छुपाते हुए वहाँ से भाग के जाती है एंड वो वहाँ पर गिर भी जाती है। अब इससे ज़्यादा एम्बैरसिंग सिचुएशन हो क्या सकती है बेचारी के लिए। बाहर आके बेचारी फूट फूट के रो रही होती है कि मैंने क्या करा, अपनी बेइज्जती ही करवा ली, जहाँ डिम टीचर उसके पीछे आते हैं वो उसे गुस्से में उनके लात मारती है और कहती है तुम यहाँ क्यों आए। एंड देन वो उन्हें करती है कुछ ऐसा जिसकी ये चीज़ देख के डिम टीचर हो जाते हैं काफ़ी हैरान। एंड उन्हें इतना बड़ा शौक देने के बाद वो मैडम आराम से वहाँ से चलती बनती हैं। मैरी यहाँ कोशिश कर रही होती है कि वो दौरान की तरह कपड़े पहने, उसकी तरह दिखें, और यहाँ चुनसिक समझा रहा होता है कि तुम कितना भी
मेरी बहन की तरह कपड़े पहन लो, पर तुम फिर भी योंजे को अपनी साइड नहीं कर पाओगी, क्योंकि उसकी नज़र में तो ये होता है ना कि मैरी योंजे को पसंद करती है। यहाँ पे हमारे कांग और दारान आए होता है उस प्रोफेसर से मिलने के लिए, जिसके बारे में जब उसकी मम्मी को पता लगता है तो वो काफ़ी डर जाती हैं। यहाँ मैरी को पता लगता है कि कोई बंदा कांग को ढूंढ रहा है, जो कि कोई और नहीं बल्कि उसके फादर ही ढूंढ रहे हैं। यहाँ ये लोग प्रोफेसर से मिलते हैं और उससे कांग के बारे में, उसकी मदर के बारे में पूछ रहे होते हैं, पर फिर भी उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि प्रोफेसर साफ कहता है कि तुमने जब मेरे से लास्ट टाइम मिले थे तो मैंने तुम्हें सब बता दिया, यानी कि सारी इन्फॉर्मेशन तो योंजे के पास ही है। और यहाँ उससे कुछ और पूछता ही कि वहाँ पे योंजे की मदर आती है, जो कि उन्हें वहाँ पे बात करने से रोक लेती हैं। यहाँ मैरी भी आके कांग को बताती है कि तुम्हारे फादर तुम्हें ढूंढ रहा है, तो तुम चलो और देखो तुम्हारे फादर एक्चुअल में है कौन। दारान भी यहाँ प्रोफेसर से बात कर रही होती है, जिनसे उसे पता लगता है कि जिस दिन वो अपनी फ्रेंड की शादी में गई थी और जहाँ पे वो फर्स्ट टाइम योंजे से मिली थी, उस टाइम योंजे प्रोफेसर से मिलने के लिए आ रहा था, बट गलती से वो दारान से टकरा गया, जिसके बाद उसे दारान से प्यार हो गया। तो वो कहता है कि तुम लोगों की शादी होने में, प्रेम कहानी बनने में सबसे बड़ा हाथ तो मेरा ही है। और यहाँ ये शौक होती है कि उससे तो सौ ने ये बताया था, मतलब योंजे की फ्रेंड ने ये बताया था कि योंजे स्टार्टिंग से उसे पसंद करता था, उसने बस ऐसे ही उसे शादी कर ली। जब वो यहाँ आके उसे कन्फ्रंट करती तो वो साफ बोलते कि हाँ, योंजे ने मुझे कभी पसंद नहीं किया, और बल्कि वो तुम्हें ही काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था। अब दारान से पूछते कि अगर वो मेरे से ही प्यार कर जाता तो उसके पास तुम्हारे घर की चाबी क्यों थी। तब वो उसे बताते कि चाबी मैंने उसे ज़बरदस्ती दी थी ताकि वो मेरे घर आए, पर उसने कभी भी उस चाबी का इस्तेमाल कराया नहीं और कभी भी मेरे से मिलने नहीं आया। ये चीज़ जानने के बाद कि योंजे सच में दारान को बहुत प्यार करता था, दारान का दिल टूट जाता है कि अब तक योंजे को गलत ही समझ रही थी, और वो योंजे के साथ बिताए अपने सारे मोमेंट याद करने लगती है। यहाँ घर आके वो कांग को सब बताते हैं कि जो भी मैं योंजे के बारे में सोचती थी वो सब एक गलत फहमी थी, योंजे ने कभी भी मुझे, तो कांग उसे कहता है अच्छी बात है ना, तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया, तुम खुशी रहो। बट दारान को दिक्कत ये होती है कि वो कांग को पसंद करने लगी और वो अपने आप को काफ़ी कोस रही होती है कि उसके हस्बैंड ने उसे कभी धोखा नहीं दिया, और तब भी उसने उसे धोखेबाज समझा। दारान को इतना अपसेट देखने के बाद बेचारा योंजे होता है, मतलब बेचारा कांग हो जाता है परेशान, एंड वो यहाँ आता छोटे बच्चों का दिमाग खाने। एंड ये बच्चे भी उससे कहते हैं अंकल आपको कोई काम नहीं है, जब देखो यहीं पर मुँह उठा के आ जाते और हमें परेशान करने लगते हो। तो यहाँ कांग उसे कहता है चुपचाप से अपना काम करो, तुमसे कोई कुछ कह नहीं रहा है। यहाँ हमारे कांग की बॉडी यानी कि योंजे को देखने आए होते हैं उसके फादर, एंड कहते हैं कांग मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा फादर हूँ, मैंने तुम्हें कभी भी संग से नहीं देखा। यहाँ योंजे भी, मतलब कांग भी हॉस्पिटल में आ रहा होता है अपने आप से मिलने के लिए, पर इससे पहले कि वो अपने फादर को देखता है उसके फादर वहाँ से जा चुके होते हैं। यहाँ हम चुनसिक को देखते हैं जो कि होता है कांग के पास, वो उसे कहता है क्या तुम्हारी मदर मेरी बहन को परेशान कर रही है, क्योंकि थोड़ी देर पहले तुम्हारी मदर ने मेरी बहन को फ़ोन किया, मेरी बहन के चेहरे से स्माइल ही गायब हो गई थी। एंड यहाँ पे दारान उसकी मदर से मिलने आई होती हैं। अब यहाँ वो उसे ताने मारते कि तुम मेरे बेटे के लिए फिट नहीं हो, ये नहीं हो, वो नहीं हो। तो दारान भी उनसे कहते थे कि हाँ मैं योंजे से ले लूँगी डिवोर्स, क्योंकि अब जबकि उसे पता है कि योंजे ने उसे धोखा नहीं दिया, एंड वही थी जिसने योंजे को धोखा दिया, क्योंकि एटलीस्ट योंजे ने किसी और से प्यार नहीं करा बल्कि दारान ने किया था कांग से। तो इस वजह से वो उनसे कहते हैं कि मैं योंजे से डिवोर्स ले लूँगी एज सून एज ही गेट बैक इनटू हिज ओल्ड सेल्फ, मतलब जब वो अपने पुराने वाली उसमें आ जाएगा, मतलब यानी कि जब योंजे अपनी पुरानी बॉडी में आ जाएगा तब वो योंजे से ले लेगी तलाक। एंड यहाँ वो जाने लगती बात करके जिसके पास आता है कांग, एंड अब दारान को ऐसे उदास देख के वो उसे लेके जाने लगता है उसकी मदर के पास कि वो कन्फ्रंट करेगा अपनी उसकी मदर को कि उसकी हिम्मत कैसे हुई दारान को परेशान करने की। दारान से रोकने की कोशिश करते हैं कि मुझे नहीं जाना, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। और यहाँ पे योंजे के फादर भी आके उसकी मदर से कहते हैं कि मैं कांग से मिला हूँ और तुम्हें भी जाके उसे देखना चाहिए हॉस्पिटल में, अगर तुम नहीं जाना चाहती उसे देखना तो कम से कम योंजे को तो भेजो उसे देखने के लिए। दारान काफ़ी रोते हुए कांग से कहती है कि ऐसी हरकतें बच्चे करते हैं जो जाते हैं, बल्कि बड़े लोग तो इस सब सिचुएशन को इंजोर करते हैं, बल्कि सब चीज़ों को सहते हैं, कुछ एक्शन नहीं लेते। अब यहाँ कांग उसे अपने क्लोज लेके आता है और कहता है कि अच्छा ठीक है तुम्हें बच्चा ही सही, तो चलो अब मैं जैसा बच्चा हूँ तो बच्चों वाली हरकत ही करूँगा, लेकिन अगर तुम्हें किसी ने एक बार और लाया तो मैं तुम्हें यहाँ से बहुत दूर ले जाऊँगा, फिर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम योंजे के योंजे का वेट कर रहे हो कि किसका वेट कर रही हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं तुम्हें यहाँ से बहुत दूर ले जाऊँगा। एंड इसके साथ ही एपिसोड यही ख़त्म हो जाता है।